हर साल मनाया जाने वाला हनुमान जन्मोत्सव का पर्व इस साल आज यानी 16 अप्रैल को मनाया जा रहा है। कहा जाता है हनुमान जी ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, लेकिन उनका विवाह भी हुआ है। जी हाँ, सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यह सच है जी। दरअसल हनुमान के विवाह से जुड़ी एक बेहद रोचक कथा पराशर संहिता में है। इस कथा के अनुसार भगवान हनुमान का विवाह हुआ था। केवल यही नहीं बल्कि उनका एक मंदिर भी मौजूद है और इस मंदिर में वह अपनी पत्नी के साथ विराजमान है। जी हाँ, और इस मंदिर में उनका वैवाहिक रूप में उनकी पूजा की जाती है। अब हम आपको बताते हैं उनके विवाह से जुड़ी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी सूर्यदेव से विद्या हासिल कर रहे थे। सूर्यदेव ने उन्हें 9 में से 5 विद्याएं सिखा दी, लेकिन बाकी बची विद्याओं को हासिल करने के लिए विवाहित होना जरूरी था। इसके बिना भाव ये विद्याएं प्राप्त नहीं कर सकते थे। तब हनुमान जी के सामने परेशानी खड़ी हो गई। वे बाल ब्रह्मचारी ठहरे। इस समस्या का सूर्यदेव ने हल निकाला। उन्होंने अपनी शक्ति से एक अन्य कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सूर्यचला था। सूर्यदेव ने बजरंग बली को सूर्यचला से शादी करने को कहा। सूर्यदेव ने कहा कि सूर्यचला से विवाह के बाद ही हनुमान ब्रह्मचारी रहेंगे, क्योंकि शादी के बाद सूर्यचला तपस्या में लीन हो जाएगी। पवन पुत्र से विवाह के बाद सूर्यचला तपस्या में चली गई। इस तरह श्री राम भक्त के ब्रह्मचार्य में कोई रुकावट नहीं आई। आप सभी को बता दें कि हनुमान और उनकी पत्नी सूर्यचला का मंदिर तेलंगाना के खम्भ जिले में स्थित है और यह दुनिया में एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान हनुमान अपनी पत्नी के साथ विराजमान हैं। कहा जाता है इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भक्त बजरंगबली और उनकी पत्नी सूर्यचला के दर्शन करता है, उसके वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ ही परिवार में प्रेम बना रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।